बच्चों इसके पहले अर्निका माउंट का यूरिनरी ऑर्गन्स तक हो गया था, अब आइए इसके मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। ब्लूइश रेड स्वेलिंग ऑफ द पेनिस एंड ऑफ द स्क्रोटम, इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिस, पर्पल रेड स्वेलिंग ऑफ द पेनिस एंड टेस्टिकल आफ्टर मैकेनिकल इंजुरीज, हाइड्रोशील पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड विथ शूटिंग इन द टेस्टिस एक्सटेंडिंग टू द एब्डोमेन, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज विथ इरेक्शन, पॉल्यूशन एंड स्पाइनल एंड सेमिनल एमिशन ऑन द स्लाइटेस्ट एमोरस एक्साइटमेंट, इम्पोर्टेंस फ्रॉम एक्सेस और एब्यूज। कह रहा है कि इसके जो है कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में ब्लूइश एंड स्वेलिंग ऑफ द पेनिस, पेनिस जो है कि वो ब्लूइश रेड स्वेलिंग ऑफ द पेनिस, ये पेनिस जो है कि उसमें स्वेलिंग हो जाता है और सूजने के साथ साथ लाल हो जाता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है, और एंड द एंड ऑफ द स्क्रोटम इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग, और उसके स्क्रोटम जो है कि वो इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग हो जाते हैं ऑफ द टेस्टिस, और पर्पल रेड इसके जो हो जाते हैं वो टेस्टिस जो है कि वो पर्पल रेड हो जाते हैं, बैंगनी और लाल मिक्स हो जाते हैं, स्वेलिंग इसके पेनिस स्वेलिंग हो जाते हैं, टेस्टिकल पेनिस और टेस्टिकल इसके स्वेल हो जाते हैं, ये जो होते हैं ये इसके वजह होते हैं आफ्टर मैकेनिकल इंजुरीज, जब पेशेंट को मैकेनिकल इंजुरीज होता है उसके वजह से इसके टेस्टिकल्स और पेनिस में जो स्वेलिंग हो जाते हैं, हाइड्रोसिल की शिकायत हो जाते हैं, पेनफुल स्वेलिंग हो जाता है, स्पर्मेटिक कोड जो है कि उसमें पेनफुल स्वेलिंग हो जाते हैं, उसके साथ साथ उसमें जो है कि टेस्टिस में शूटिंग पेन होने लगता है, वो जो शूटिंग पेन होते हैं टेस्टिस में जो शूटिंग पेन होते हैं वो एक्सटेंड करके एब्डोमेन तक चला जाता है, सेक्सुअल डिजायर इसके इंक्रीज हो जाते हैं, उसके साथ साथ इसके इरेक्शन हो जाते हैं, पॉल्यूशन एंड सेमिनल एमिशन, इसके पेशेंट जो है कि पॉल्यूशन भ्रष्ट जो होता है भ्रष्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ इसके सेमिनल एमिशन हो जाते हैं, सेमिनल एमिशन जो होता है स्लाइटेस्ट एमोरस एक्साइटमेंट, स्लाइटेस्ट अगर थोड़ा सा अगर हल्का भी अगर इसके पेशेंट कामुक हो जाता है तो इसके सेमिनल जो है कि वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसके पेशेंट को इम्पोटेंस के शिकायत होते हैं, नपुंसकता के शिकायत होते हैं, ये नपुंसकता के शिकायत होते हैं वो फ्रॉम एक्सेस और एब्यूज, करा कि अगर पेशेंट एक्सेस सेक्स के वजह से इसके जो है कि इम्पोटेंस हो जाते हैं या फिर सेक्स का जो बैड इफेक्ट होता है उस बैड इफेक्ट के वजह से पेशेंट जो है कि वो इम्पोटेंस का शिकार हो जाता है। अब आइए इसके फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में करा डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द यूटरस बिटवीन द पीरियड्स विथ नाउसिया एक्सकोरिएशन एंड अल्सरेशन ऑफ द ब्रेस्ट, शोरनेस ऑफ द पार्ट्स आफ्टर ए सीवियर लेबर, एरिसिपेलेटस इन्फ्लामेशन ऑफ द ममेई एंड निपल्स, वायलेंट स्टिचेज इन मिडिल ऑफ लेफ्ट ब्रेस्ट, वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, थ्रेटेंड अबॉर्शन फ्रॉम फॉल, शॉक्स और कंक्यूजन, फीलिंग एज इफ फिटस वेयर लाइंग क्रॉसवाइज, ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट, प्रोलैप्स यूट्राई बाय ए कंक्यूजन, लिविंग ए सोर ब्रूज्ड फीलिंग इन यूटराइन रीजन व्हिच प्रिवेंट हर फ्रॉम वॉकिंग और बीइंग इरेक्ट, मेंसेज टू फ्रीक्वेंट एंड प्रोफ्यूज, ब्लडी डिस्चार्ज बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, प्रोलैप्सेस यूटरस, ब्लड ब्राइट रेड विथ मिक्स्ड क्लॉट। करा कि इसके जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में जो सिम्टम्स जो हैं वो हैं डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द यूटरस, इसके यूटरस से
जो है कि ब्लीडिंग डिस्चार्ज होने लगते हैं। ये ब्लीडिंग ये पीरियड के समय पीरियड इसके होते हैं तो उस समय इसके यूटरस से ब्लीडिंग डिस्चार्ज होने लगते हैं, और ब्लीडिंग जब डिस्चार्ज होता है तो इसके साथ साथ इसके नौसिया की टेंडेंसी होते हैं। इसके ब्रेस्ट में इसको जो है कि एक्सक्रिएशन ब्रेस्ट छिल जाते हैं या उसमें फिर अल्सरेशन हो जाते हैं, सोरनेस इसके पार्ट्स में सोरनेस होने लगते हैं। सोरनेस होता है आफ्टर ए सीवियर लेवर, जब इसके आफ्टर ए सीवियर लेवर होता है उसके बाद इसके जो है कि पार्ट्स में सोरनेस होने लगते हैं। इसके ममेई एंड निपल्स में एरिसिपेलाइटिस ये इरप्शन टाइप का हो जाता है, मुहासा नाम का इसके इरप्शन हो जाते हैं ममेई में और निपल्स में। वायलेंट स्टिचेस इसके बहुत तीव्र स्टिचेस पेन होते हैं, तीव्र सुई चुभने की तरह के दर्द होते हैं इसके लेफ्ट ब्रेस्ट के मिडिल पार्ट्स में। इसके वोमिटिंग प्रेगनेंसी के पीरियड में इसके वोमिटिंग होते हैं। इसके पेशेंट को थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है, थ्रेटेंड एबॉर्शन माने कि इसके एबॉर्शन होने का भय होता है, और वो किस वजह से होता है, उसको जब गिर जाता है या किसी तरह का शॉक्स होता है या फिर कंफ्यूजन की वजह से इसके जो है कि ऐसा भय होता है कि हमें जो है कि एबॉर्शन हो जाएगा। इसके जो है कि फिटस का फीलिंग जो होता है, अनुभूति होती है कि फिटस जो है कि इसके क्रॉस वाइज लाइंग है, इट मीन्स कि इसके जो फिटस उसको ऐसा महसूस होता है कि हमारे फिटस जो है कि वो विपरीत दिशा में जो है कि वो लेटा हुआ है, पलटा हुआ है। प्रोलैप्सेस ऑफ यूट्रस, इसमें जो है कि इसके प्रोलैप्सेस ऑफ यूट्रस की शिकायत होते हैं, वो कंफ्यूजन के वजह से, कंफ्यूजन चोट के वजह से इसको प्रोलैप्सेस ऑफ यूट्रस हो जाते हैं, और उसमें जो है कि इसके शोर होते हैं, तकलीफ पीड़ा होती है, ब्रूस्ट फीलिंग होता है, लगता है जैसे कुचल सा गया है, उस तरह का इसके यूट्राइन रीजन में फीलिंग्स होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इसके जो है कि प्रिवेंट होते हैं, जो उसमें जो है कि ब्रूस्ट फीलिंग हो रहे हैं, शोर फीलिंग हो रहे हैं, उसमें इसके आराम होते हैं फ्रॉम वॉकिंग टहलने के दरमियान या फिर इरेक्ट पोजिशन में, जब सीधे वे में वो होता है खड़ा, तो उससे वजह से इसके जो है कि उसके वजह से इसके आराम कुछ तकलीफ में कमी आ जाती है। इसके मेंस जो होते हैं कि टू फ्रिक्वेंट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, बार बार होते हैं, टू फ्रिक्वेंट और टू प्रोफेज ये जो है कि बार बार होते हैं और बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं। ब्लड जो इसके आते हैं वो ब्राइट रेड रहते हैं, एकदम चमकीला खून इसके रहते हैं, और उसके साथ साथ जो चमकीला चमकीला जो ब्लड जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो उसमें जो है कि ब्लड जो है कि थक्का थक्का भी मिक्स होते हैं, जमा जमा उसके मिक्स होते हैं ब्लड। आइए इसके फीवर, फीवर में कह रहा है कि पल्स वेरी वेरिएबल, मोस्टली हार्ड फुल एंड क्विक, चिलनेस इंटरनली विथ एक्सटर्नल हीट, ग्रेट चिलनेस विथ हीट एंड रेडनेस ऑफ वन चीक, हेड एलोन और फेस एलोन हॉट, रेस्ट ऑफ बॉडी कोल्ड, शिवरिंग स्पेशली इन द इवनिंग एंड समटाइम्स with a sensation as if one were sprinkled with cold water, heat in the evening or at night, with shivering on raising the bedclothes even slightly and frequently, with a pain in the back and in the limbs, intermittent fever, chill on the morning or forenoon, drawing pain veins in the bones before the fever changes his position, continually breath and perspiration, offensive, typhus, putrid breath and stool, nocturnal acid स्वेट। इसमें कह रहा है कि इसके
फीवर के दरमियान इसके पल्स जो है कि वेरी वेरिएबल रहता है, मोस्टली हार्ड रहता है, फुल रहता है और एंड क्विक रहता है। इसके पेशेंट को चिलनेस, ठंड इसके अंदरूनी जो है इंटरनली जो है कि इसके ठंड महसूस होते हैं और बाहरी जो है कि इसके हीट महसूस होते हैं। पेशेंट को अंदर से ठंड लगती है और बाहर से उसके गर्म महसूस होते हैं। इसके ग्रेट चिलनेस, बहुत ज्यादा इसके जो है कि चिलनेस होते हैं विथ हीट एंड रेडनेस ऑफ वन चीक। जब इसके बहुत ज्यादा चिलनेस होने लगते हैं, बहुत ज्यादा ठंड की शिकायत होती है, तो इसके साथ साथ इसके जो है कि एक चीक जो है, एक गाल जो है कि वो हीटेड हो जाता है, रेडनेस हो जाता है। इसके जो है कि हीट एलोन, हेड एलोन और फेस एलोन हॉट। इसके जो है कि या तो सर गर्म रहेंगे या तो फिर इसके फेस गर्म होंगे। उसके साथ साथ करा कि ये इसके पूरे बदन जो है, हेड और ये फेस के अलावा जो भी इसके सारे बदन जो है कि वो कूल रहते हैं, ठंडा रहता है। शिवरिंग स्पेशली इसके इवनिंग में होते हैं, शाम के समय या समटाइम्स कभी कभार इसको जो है कि ऐसा सेंसेशन होता है कि जैसे मानो कि उसके शरीर के ऊपर ठंडे ठंडे पानी छिड़क रहा है। इसके बाद